अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप बहुत ही इजीली किस तरह घर में वैक्स कर सकते हैं, जो पेनलेस होगी बिल्कुल और आपको बहुत चीप पड़ेगी, जिस तरह अगर आप सैलॉन्स में जाते हैं उसके कंपेरिजन में। सो यहाँ पर मैंने ली हुई है सॉफ्ट टच की लेमन वैक्स, जो कि आपको मिल जाएगी ईजीली 120 रुपीज़ में। और साथ में मैंने वैक्सिंग के लिए जो स्टिक ली है वो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये है कि स्टिक आप एक ही दफ़ा लेंगे तो वो आपकी लंबे टाइम के लिए चलेगी। उसके अलावा हम वैक्स देखते हैं। वैक्स में सबसे पहले जो वो देते हैं वो आफ्टर वैक्स लोशन, जो वैक्स करने के बाद आप लोशन से स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर हमारे पास आता है वैक्स का बॉक्स, जिसका साइज आप देख सकते हैं। एट अ टाइम इस वैक्स से आप अपने आर्म्स की, अपने लेग्स की वैक्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी बॉडी पार्ट की भी करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये लोग एक स्ट्रिप देते हैं, वैक्स स्ट्रिप सिंपल एक, लेकिन आपने इसके साथ जो है वो कॉटन की स्ट्रिप्स खुद से लेनी है। ये चीज़ें होती हैं कि आप एक दफ़ा लेके रख लेते हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए चल जाती हैं, एज़ कंपेरिजन टू कि आप सैलॉन्स में जाके वैक्स करें, वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। और जो मैं आपको टेक्निक बताऊँगी ये बहुत पेनलेस होते हैं। आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने आर्म्स और लेग्स पे ही वैक्स करेंगे, इस तरीके से तो होगी, आप बॉडी के किसी पार्ट पे वैक्स करेंगे बहुत इजीली ऐसे हो जाएंगी। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने वैक्स ली, वैक्स का ये है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले 10 सेकंड्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए इसको ओवन में गर्म करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा करेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती की वजह से आपकी स्किन जल भी सकती है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर आप लोग वैक्स को यूज़ करेंगे सर्दियों में तो आपने 10 की जगह 20 सेकंड्स के लिए उसको गर्म करना है। मैंने बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने वैक्स लेनी है स्टिक के ऊपर, फिर आप लोगों ने बाजू पे लगानी है या किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर आप वैक्स कर रहे हैं। मेन फोकस आपका ये होगा कि जिस डायरेक्शन में आप वैक्स को लगाएंगे, जिस तरह मैं ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स को लेकर जा रही हूँ, मेक श्योर कि आप थिन लेयर लगाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 सेकंड्स के लिए, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड्स के लिए लाजमी उसको गर्म कर लीजिएगा एक दफ़ा वैक्स को। अब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक लेके जा रही हूँ और थिन लेयर लगा रही हूँ वैक्स की। उसके बाद हम लोग लेंगे कॉटन की स्ट्रिप और इसको रखेंगे वैक्स के ऊपर जहाँ हमने बालों पे वैक्स लगाई हुई है। ये टेक्निक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाजुओं टांगों के लिए हो, आई एम रिपीटिंग कि आप बॉडी के किसी पार्ट पे वैक्स करेंगे तो वो सेम इसी तरीके से काम करेगी। आपने जिस डायरेक्शन में लगाई है वैक्स, यानी ऊपर से नीचे लगाई थी, अब मैं बाजू से खींच रही हूँ वैक्स स्ट्रिप को नीचे से ऊपर की तरफ। और देखिए एक ही दफ़ा में सारे बाल निकल आए हैं। और एकदम जब आप खींचते हैं, एक तो हमारी लेयर वैक्स की पतली लगी होती है, दूसरा जब आप खींच लेते हैं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होती है। अब एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा दूँ, मैंने वैक्स लगाई, ठीक है, फिर हम ऊपर नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ मैं वैक्स को और थिन लेयर लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे तक वाला ही मेथड आप अप्लाई करें, अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं वैक्स स्ट्रिप को तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने सिर्फ स्ट्रिप को खींचने बाल उतारते हुए। आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में मैंने बालों को किया है वैक्स स्ट्रिप के स्टिक के थ्रू, हमने कॉटन की स्ट्रिप लगाई, थोड़ा सा अपनी पाम से जो हाथ की है इससे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि वैक्स जो है वो कॉटन स्ट्रिप पे लग जाए। उसके बाद मैंने देखे ऊपर से नीचे की तरफ लगाई थी, अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ खींचूंगी और टाइटली स्किन को पकड़ लीजिएगा। देखिए अब सारे बाल आ गए हैं हमारे कॉटन स्ट्रिप में। इससे ये होता है कि पेन बिल्कुल नहीं होती और एक ही दफ़ा में आपके बाल उतर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों बाजू कितने ईजीली नीट हो गए हैं। और इसका ये है कि ये वैक्स से काफ़ी टाइम बाद बाल आते हैं और बाजू नीट भी लगते हैं। अगर आप खुद घर में करना सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आई लोगों को कुछ समझ आया होगा कि किस तरह आप खुद वैक्स कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे ज़रूर हो जाएगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।